हेलो फ्रेंड्स तो लेक्चर नाइनटीन में आज हम डिस्कस करेंगे हाफ़ लाइफ पीरियड फॉर जीरो रिएक्शन तो हाफ़ लाइफ पीरियड का मतलब होता है कि वो टाइम पीरियड जिसमें कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाए उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड जैसा कि नाम सजेस्ट करता है हाफ लाइफ पीरियड मतलब वो टाइम पीरियड जितने टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होती है उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड तो हाफ लाइफ पीरियड हमें फाइंड आउट करना है जीरो ऑर्डर के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर एक्शन विच इज रेट कॉन्स्टेंट केक्वल टू वन अपॉइंट टी ए नॉट माइनस ए तो अब हम अगर पुट करें अब टाइम टी की जगह पे हाफ लाइफ पीरियड हमने ले लिया टी हाफ तो जब टाइम हाफ लाइफ के इक्वल होगा तो हमने अभी कहा कि हाफ लाइफ का मतलब होता है कि जितने टाइम पीरियड में रेक्टेंट की कंसंट्रेशन उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ होती है तो जब टाइम हाफ लाइफ के इक्वल होगा तो ऐसे केस में रिएक्टेंट ए की जो कंसंट्रेशन होगी वो किसके इक्वल आएगी हाफ ऑफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो रिएक्टेंट की हमने सपोज किया था कि इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितनी है ए नॉट तो उसकी आधी कंसेंट्रेशन हमें मिलेगी तो इससे ए की वैल्यू हाफ लाइफ पीरियड पे ए की वैल्यू आएगी ए नॉट अपॉन टू यानी कि हाफ ऑफ द

और उसके बाद फर्दर हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको टी हाफ की वैल्यू मिल जाएगी टी हाफ तो यहाँ पे आ गया ये के तो टू के साथ के की मल्टीप्लिकेशन तो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा टी हाफ इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ट्वाइस के तो ये है हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन टी हाफ इक्वल टू ए नॉट अपॉन ट्वाइस के थैंक यू